अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब खान चांडिया। वेलकम टू शुएब चांडिया यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप लोग इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैंने अपने मोबाइल से बनाई हुई है और काइन मास्टर से बनाई हुई है। ये वीडियो मैंने 14 अगस्त के लिए बनाई हुई है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 14 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का दिन आने वाला है, तो लोग स्टेटस इधर उधर शेयर करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टिकटॉक वाला स्टेटस या फिर जो भी आप वीडियो बनाएं वो वायरल हो जाए, ठीक है, आप लोग फेमस हो जाएं या आपका स्टेटस ही हर जगह जाए, तो आप लोग अपना स्टेटस बनाइए, आप लोग सीख जाइए कैसे स्टेटस बनाते हैं टिकटॉक के लिए, व्हाट्सएप के लिए। ये स्टेटस आप टिकटॉक पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, मैं तो फेसबुक की स्टोरी पे भी लगाता हूँ, अपने यूट्यूब पे भी स्टोरी पे लगाता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा, अगर आपने भी बिल्कुल ऐसी वीडियो बनानी है काइन मास्टर में या फिर अपने मोबाइल से, तो आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे देख के सीख जाएंगे कैसे इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं। अगर इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शुएब चांडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कैसे हम काइन मास्टर से इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। गैर, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। एक बार मैंने वीडियो डाली थी तो कॉपीराइट आ गया था, फिर मुझे वो पार्ट रिमूव करना पड़ गया था। अब मैं यहाँ पे म्यूज़िक आपको नहीं सुनवा रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो सुननी है कि इसमें कौन से म्यूज़िक लगे हुए हैं, ये कौन सा सॉन्ग मैंने लगाया हुआ है, वैसे तो आपको लिरिक्स पढ़ के अंदाज़ा हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो आप हमारे टिकटॉक पे जा सकते हैं, हमारे टिकटॉक आईडी है रियल शुएब चांडिया। आप लोग जाएंगे शुएब चांडिया ही सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो आपको टिकटॉक पे देखने को मिल जाएगी। आप लोग हमें टिकटॉक भी फॉलो कर लें और इस वीडियो को भी देख लें, हम जो भी वीडियो टिकटॉक पे डालते हैं अगर उसका ट्यूटोरियल आपको चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट कर दिया करें, हम उस पर वीडियो बना दिया करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो गाइस सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे काइन मास्टर पर। ठीक है, काइन मास्टर आपने डाउनलोड कर लेना है क्रोम ब्राउज़र में जाके, काइन मास्टर मोड आप लिखेंगे, उसके बाद आपके पास एपीके आ जाएंगे, आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसमें वाटरमार्क नहीं आएगा, अगर आप प्ले स्टोर से करेंगे तो उसमें वाटरमार्क भी आएगा और उसमें ऐड वगैरह भी आएंगे। तो सबसे पहले आपने काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद प्लस पर क्लिक करेंगे और हम जो है टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड चूज़ करना है, हम ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यूज़ करने वाले हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आपने यूज़ कर लेना है। उसके बाद हम इसको 26 सेकंड तक हम खींच लेते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी 26 सेकंड कर लेते हैं। उसके बाद लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं। ठीक है, मीडिया में जाने के बाद हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आपके पास अगर कोई पिक्चर नहीं है तो आप क्रोम में जाके पहले पिक्चर डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके आपने डाल देनी है। हमारे पास ये पिक्चर है, जैसे हमने अपनी वीडियो में ये वाली पिक्चर यूज़ की हुई है जो कि हमारे बेटे की पिक्चर है और इसका नाम है शहाब। ठीक है, ये शहाब की हमने पिक्चर ऐसे यूज़ की हुई है। अगर आपके पास ऐसी पिक्चर नहीं है तो आप किसी और की भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी अपनी है तो बेहतरीन है, नहीं है तो आप किसी और की भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी डाउनलोड में जाके मैंने ये पिक्चर यूज़ करनी है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं अभी ये पिक्चर यूज़ करने वाला हूँ। ये देखें, ये पिक्चर यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इस तरह से इसको आपने खींच के बिल्कुल अपने बैकग्राउंड के बराबर कर लेना है। अब यहाँ तक ये हो जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड में जाना है या फिर जहाँ पे भी आपके पास वो वाली बैकग्राउंड या फिर समझ लें कि इफ़ेक्ट जो मैंने लगाए हुए हैं अपनी वीडियो में, अगर आपको वो इफ़ेक्ट चाहिए होंगे तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो मैंने इफ़ेक्ट यूज़ किया हुआ है वो ये है। ठीक है, ये इफ़ेक्ट मैंने यूज़ किया हुआ है। ऐसे इसको मैं पकड़ के इसको मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ये फुल स्क्रीन हो जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखिए मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ और नीचे की साइड में जाता हूँ, ब्लेंडिंग पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रीन कर लेता हूँ। अब ये देखिए हमारी बेहतरीन वीडियो बन चुकी है। अब इसमें हम लिरिक्स और म्यूज़िक वगैरह भी ऐड करेंगे और जो मेरी वीडियो में आपको फ्लैग नज़र आ रहे हैं, झंडे नज़र आ रहे थे पाकिस्तान वाले और वो किस तरह से घूम रहे थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये काम हमारा हो चुका है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ मीडिया में, मीडिया में जाने के बाद मैं वही वाला म्यूज़िक लेके आता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे इस म्यूज़िक पे क्लिक किया, ये म्यूज़िक आ जाता है यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा पकड़ कर
बराबर कर देता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसकी जो ऑडियो है एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके। अब ऑडियो आ चुकी है मेरे पास, इसमें मैं वीडियो को डिलीट कर दूँगा, इस वीडियो को ऐसे करके मैं डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑडियो आ चुकी है गाइस, यहाँ पे मेरे पास अभी भी ऑडियो नहीं आई है। मैं दोबारा मीडिया में जाता हूँ और यहाँ पे मैं वही ऑडियो लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर दूँगा, नीचे जाके ना एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे मैं क्लिक करूँगा, तो मेरे पास अब ऑडियो आ चुकी है। मैं इस वीडियो को अब डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब ये मेरी वीडियो डिलीट हो चुकी है, ऑडियो को मैं थोड़ा सा पकड़ के यहाँ इस साइड पर कर लूँगा। अब वीडियो, अब यहाँ पर देखिए ये ऑडियो मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसकी आवाज़ जो है यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का मसला ना आ जाए फिर। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार फिर प्ले करके दिखाता हूँ। अब मैंने प्ले किया है, अब मेरे पास ये ब्लैक स्क्रीन का जो स्टेटस था वो मेरे ख्याल से डिलीट हो चुका है मुझसे। मैं दोबारा इसको जाता हूँ मीडिया में, और मीडिया में जाने के बाद डाउनलोड पर जाके मैं वही वाला जो मेरे पास बैकग्राउंड था या सॉरी इफ़ेक्ट था, मैं वो इस एक बार इसमें लेके आता हूँ। अब वो कहाँ चला गया, वो मेरे पास असल में मेरे एक और फोल्डर में था। मैं यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये ब्लैक स्क्रीन आ चुकी है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इस पर एक बार फिर से क्लिक करके इसको फुल कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके ब्लेंडिंग में जाऊँगा। ब्लेंडिंग में जाने के बाद मैं स्क्रीन कर दूँगा, तो ये वैसी वीडियो बन जाएगी। ये देखिए अब ये वीडियो बन चुकी है। अब इसमें म्यूज़िक भी चल रहा है, लेकिन मैंने आवाज़ म्यूट की हुई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिरिक्स लगाने हैं, जैसे मैंने लिरिक्स लगाए हुए थे अपनी वीडियो में, जो कि आपने पहले देखी होगी। तो उसके लिए मैं दोबारा जाऊँगा मीडिया में, ठीक है। मीडिया में जाऊँगा, एक बार मैं लेयर पर क्लिक करके मीडिया में जाऊँगा, और यहाँ पर मेरे पास कुछ लिरिक्स लिखे हुए हैं। इसी सॉन्ग के रिकॉर्डिंग मैंने अपने लिरिक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे ये लिरिक्स लिखे हुए हैं, अब जहाँ पे भी आप इन्हें लगाना चाहें लगा सकते हैं। मेरे मुल्क पे रहमत कर दे, इस तरह से ये जो सॉन्ग है शुरू होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पर एक बार ये वाला जो लिरिक्स है वो लगा देना है। अब आपने सुन लेना है कि ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये जो कह रहा है कि मेरे मुल्क पे रहमत कर दे, इसके आगे जब वो दूसरी कोई लाइन बोलेगा तो उसके लिए हम दोबारा जाएँगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे यार अब यार रहमान कह रहा है, तो हम इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। ऐसे करके हम इसको एडजस्ट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पे आ जाए, और जब ये शुरू होगा, ठीक है। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने एक ही जगह पे सारे ले रख सकते हैं, ये ना हो कि ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे चला जाए, एक यहाँ पे चला जाए, ठीक है। आपने एक ही जगह पे सारे रखने हैं ताकि जब वो चलेंगे प्ले होंगे तो फिर एक ही जगह पे आएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। आपने एक जगह देख लेनी है, मतलब एडजस्ट कर लेना है इन सबको, फिर बाद में इस तरह से ये हो जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक करना है, इन एनिमेशन देना है, और यहाँ पे आके क्या करना है, जैसे मैंने बनाया हुआ था आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया हुआ था, मैंने यहाँ पे वेब लिफ्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से कुछ होता है। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा, इसको ओके करके एक बार दोबारा क्लिक करूँगा, और एनिमेशन में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं अब राइट करूँगा, ठीक है। वेब राइट करूँगा तो ये यहाँ से अब जा रहा है, लेकिन मुझे राइट नहीं करना, मुझे लिफ्ट करना है, ठीक है। ये अब यहाँ से जाएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने इन एनिमेशन में राइट किया है या लेफ्ट किया है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सारा कुछ ठीक हो गया है। तो अभी इस तरह से आपने सारे बना लेने हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपने लगाते जाना है, लेयर पे जाके मीडिया में जाके आपने इस तरह से अपने जो लिरिक्स हैं वो लगाते जाना है, ठीक है। अगर मैं सारे लगाऊँगा तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। अब यहाँ तक जब हो जाए तो आपने लेयर में जाके मीडिया में जाना है, और यहाँ पे आपने डाउनलोडिंग में जाना है, मतलब जहाँ पे भी आपके पास कोई भी फाइल पड़ी होती है वहाँ पे आपको जाना होता है। अब मेरे पास यहाँ डाउनलोड में एक फ़ाइल होगी, ठीक है, मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। ये देखिए ये है मेरे पास वो फाइल जिसमें झंडे लगे हुए हैं, ये ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है। इस तरह से ये लगे हुए हैं, मैं इसे अब नीचे लगा सकता हूँ या ऊपर लगा सकता हूँ। मैंने अपनी वीडियो में ऊपर लगाया हुआ था, आप अपनी मर्ज़ी से इन्हें एडजस्ट कर लेना। इन सारी चीज़ों को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इन सारी चीज़ों को मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर लेना और अपनी वीडियो में यूज़ कर लेना। और अगर आपका कोई मसला या सवाल हो, या आपको कोई चीज़ ना मिल रही हो, फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, तो आप लोग हमें कमेंट कर देंगे तो हम आपको बता देंगे। आपने ग्रीन स्क्रीन पर ऐसे लगा देना है, और इस पर ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करके
आपने जाना है क्रोमा की में। यहाँ पे देखिए क्रोमा की आपको मिल रहा होगा, आपने क्रोमा की में जाके इसको अनेबल करना है तो ये ख़त्म हो जाएंगे। आपने अपनी मर्ज़ी से इन्हें एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कलर वलर आपने देख लेना है कि कहीं ग्रीन वाला नज़र तो नहीं आ रहा, आपने ऐसे करके इसे एडजस्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। और उसके बाद देखिए तो लिरिक्स आपके बीच में आ रहे हैं और आपके जो झंडे हैं वो इधर उधर शो हो रहे हैं, ठीक है। आपने ऐसे करके इन्हें बना लेना है। यहाँ पे देखिए आपने इससे देख लेना है और एडजस्ट कर लेना है। म्यूज़िक यहाँ तक है तो आपने क्या करना है, इस तस्वीर को यहाँ से खींच लेना है। सबसे पहले आपने बैकग्राउंड को बड़ा कर लेना है क्योंकि बाकी चीज़ें बाद में आएँगी जब बैकग्राउंड बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड अब इसके बराबर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इस पिक्चर को भी यहाँ पे आगे लेके आना है और इस वाले म्यूज़िक तक लेके आ जाना है, ठीक है। ऐसे कर लेना है और आगे जो मज़ीद चीज़ें बचेगी कुछ, ठीक है, जो फालतू की चीज़ें होंगी उस पर आपने क्लिक करना है, कैंची पे जाना है और यहाँ इस दूसरे वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है तो ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये ख़त्म हो जाएगी। अब आप वीडियो प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपने कोई और चीज़ लगानी है इसमें, जैसे कि अब अगर इसे आप एडजस्ट करना चाहें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे और जो आपका टेक्स्ट है या लिरिक्स बोल सकते हैं उसे यहाँ से आप अपने मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप अपना नाम वगैरह देना चाहते हैं, लेयर पर जाएंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पे कोई भी नाम लिख देंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ शुएब चांडिया, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शुएब चांडिया, मैंने लिख दिया, ऐसे करके यहाँ पर ये नाम आ जाता है। आपने इसे बड़ा छोटा कर लेना है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इसे बड़ा छोटा कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आप इसे रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने जो अपनी वीडियो में यूज़ किया हुआ था, मैंने पिक्सल लैब के ज़रिए अपने लिरिक्स वगैरह बनाए हुए थे, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पिक्सल लैब के ज़रिए अपने लिरिक्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ लग चुकी होगी, सो गाइस यहाँ तक आपको समझ लग चुकी होगी कि कैसे मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको ओके करना है, यहाँ पे क्लिक करके ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है तो ये वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने लिरिक्स बनाने हैं तो आपको पिक्सल लैब का यूज़ करना पड़ेगा। पिक्सल लैब में आप लोग चले जाएँगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट पर आ गया ना, आपने न्यू टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है या यहाँ पेंसिल पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए टेक्स्ट है, आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देना है। जैसे अगर मेरे पास कोई पहले से कोई चीज़ पड़ी होती है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इन्हें अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे शुएब चांडिया मैंने लिख दिया है, अब ये देखिए ये आ चुका है। आपने इसी तरह से इसे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जो डिज़ाइन वगैरह है वो दे देनी है, जैसे कि आपने इसे 3D वगैरह बनाना है। अब यहाँ पे इसे फॉन्ट वगैरह दे सकते हैं, आप फॉन्ट पे क्लिक करके काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट दे सकते हैं। और अगर इसे आप देखिए फॉन्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट आ जाते हैं, इनमें से किसी भी को आप चूज़ कर सकते हैं फॉन्ट को, ठीक है। ऐसे फॉन्ट आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, बैकग्राउंड वगैरह देना चाहें तो बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड इनेबल करेंगे तो ये बैकग्राउंड आ जाएगा। ग्रेडियंट देना चाहें तो ग्रेडियंट दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेना है आपने। और इसके बाद ये देखें, आधी आधे नाम पर बैकग्राउंड देना चाहते हैं, पूरे पर देना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे करके आप ऐसे अपना जो कोई भी नाम है वो बना सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, शैडो देना चाहते हैं शैडो दे सकते हैं, देखिए शैडो आ गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3D बनाना है तो इसे 3D बना सकते हैं, ये देखिए ऐसे करके आपने इसे 3D बना लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, 3D टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अनेबल करेंगे, तो अब यहाँ पर आपने देखना है कि कैसे ये 3D बन रहा है, ठीक है। आप देखें काफ़ी बेहतरीन लुक आ रहा है इसमें, यहाँ पे देखिए बेहतरीन बन जाए। आपने क्या करना है, ऐसे कर लेना है अपने नाम को या अपने टेक्स्ट को, एक बार जो आप टेक्स्ट बना लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपने चले जाना है नीचे की साइड 4th वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है तो ये इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने 3 लाइन पे आपने क्लिक करना है और एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है तो ये सेव टू गैलरी पे आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है या टेक्स्ट जो है सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा जो भी आपका लिरिक्स होगा उसके लिए आपने दोबारा आ जाना है पिक्सल लैब में और यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर पेंसिल का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा पेंसिल पर क्लिक करेंगे, इस नाम को आप रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे वैसे आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ, खान जी मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको ना ही फॉन्ट देने पड़ेंगे
और ना ही आपको कोई और चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। देखिए अपने आप ये सारा कुछ सेट हो जाता है। उसके बाद ऐसे करके आपने एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक कर देना है, सेव टू गैलरी कर लेना है। तो इस तरह से आपके लिरिक्स बनते जाएंगे। जब आपके लिरिक्स इस तरह से बन जाए, उसके बाद आपने दोबारा चले जाना है काइन मास्टर में। ठीक है, ऐसे काइन मास्टर में चले जाना है आपने। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आके वही वाले लिरिक्स जो हैं आपने लगा देने हैं। मीडिया में जाना है और यहाँ पे देखिए मैंने जो अपने बनाया था ना, अपना नाम बनाया था और मैंने खान जी लिखा था, ये आ चुके हैं यहाँ पे। आप अपनी मर्ज़ी से इन्हें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।